हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से आज लेक्चर नंबर 3 बायोफार्मास्यूटिक्स का। मैंने कहा ना कि इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने हैं एग्जाम के हिसाब से, उसको मैं टेबल के फॉर्म में लेकर आ रहा हूं और बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूं और क्वेश्चंस आपके काफी कवर होंगे। आज लेक्चर नंबर 3 हमारा टॉपिक है टिश्यू बाइंडिंग, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग स्टोरेज। यानी कि कुल मिला के आपने देखा कि जब हम ड्रग खाते हैं हमारे जाता है पेट में, इंटेस्टाइन में, वहां पे होता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद होता है ब्लड की प्रोटीन के साथ बाइंडिंग, और जो ड्रग है प्रोटीन बाइंडिंग करने के बाद वो पहुंचता है पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग टिश्यूज में। अब जब ड्रग हमारे टिश्यूज में पहुंच चुके हैं तो वहां पे कौन कौन से ऐसे टर्म्स आते हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म्स आते हैं जिसे हमें जानना जरूरी है जब ड्रग टिश्यू वाले कंपार्टमेंट में पहुंचता है, और उन्हीं टर्म्स से आने वाले टॉपिक्स को हम समझेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे। उन टर्म्स में पहला है परफ्यूजन रेट। परफ्यूजन रेट बेटा क्या होता है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपनी बोर्ड की तरफ। परफ्यूजन रेट इस तरह समझिए कि ये हमारा ऑर्गन है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, ये लीवर हो सकता है, ठीक है, ये लीवर हो सकता है, ये हार्ट हो सकता है, ये ब्रेन हो सकता है, ये मसल्स हो सकते हैं, ये बोन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब इस ऑर्गन से जो ब्लड है वो पास हो रहे हैं, हमारा जो ब्लड है वो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ब्लड फ्लो इस ऑर्गन से पास हो रहा है। जब ब्लड ऑर्गन से पास होता है तो हमारा टिश्यू उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, और हमारा जो एक्चुअल अमाउंट में जो ड्रग है, ये जो ड्रग पार्टिकल है वो भी तो इसी ब्लड में एब्जॉर्ब है, और जब टिश्यू से ब्लड पास होगा तो वही ड्रग पार्टिकल उसी ब्लड की सहायता से इस ऑर्गन में भी तो आके घुसेंगे और आगे बाकी आगे निकल जाएंगे। क्लियर हो रहा है, यानी किसी भी टिश्यू में ड्रग पहुंचने का सोर्स ब्लड ही है। ब्लड में जो ड्रग एब्जॉर्ब है, जब वो ब्लड टिश्यूज के द्वारा पास करेगा, ऑर्गन से पास करेगा, तो वो जो ड्रग ऑर्गन में टिश्यू में था, सॉरी ब्लड में था, वो टिश्यू में आके इंटर करेगा। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को परफ्यूजन कहते हैं। व्हाट इज द परफ्यूजन, कि किसी भी ब्लड फ्लो का, किसी भी टिश्यू के साथ, टिश्यू के साथ ब्लड के फ्लो को आना, यानी किसी भी टिश्यू में से ब्लड के फ्लो का गुजरना या ब्लड का गुजरना, दिस इज कॉल्ड परफ्यूजन। अब देखिए, जिस ऑर्गन के साथ ज्यादा ब्लड गुजरेगा, मैक्सिमम टाइम में गुजरेगा, उसे हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन कहेंगे, और जिससे कम गुजरेगा उसे लो परफ्यूज्ड ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होती है, हड्डियां, हमारी जो फैट्स है, इनसे बहुत कम ब्लड फ्लो होता है, तो इन्हें हम लो परफ्यूजन रेट वाला हम ऑर्गन कहेंगे। जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, हमारे हार्ट हो गए, किडनी हो गए, इन सबसे बहुत तेजी से ब्लड फ्लो करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ये हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन हो गए, और कुछ मॉडरेट ऑर्गन्स भी हो गए। तो उसी तरह से किसी भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू में, उन टिश्यूज में ज्यादा होगा जहां पे परफ्यूजन रेट ज्यादा होगा, और वहां पे कम होगा जहां पे परफ्यूजन रेट कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं, और उस टॉपिक को फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। दिस वन, तो परफ्यूजन रेट की हम बात कर रहे थे, तो व्हाट इज अ परफ्यूजन रेट, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। किसी भी, देखिए परफ्यूजन तो है ब्लड का गुजरना, अब परफ्यूजन रेट क्या है, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट वॉल्यूम किसी टिश्यू से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसी को हम परफ्यूजन रेट कहते हैं। डेफिनेशन याद रखिएगा, पर यूनिट फ्लो, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू, कि किसी भी टिश्यू के पर यूनिट वॉल्यूम से एक मिनट में या पर मिनट में जितना ब्लड फ्लो करता है उसे उसका परफ्यूजन रेट है। अब कौन कौन से हाईली परफ्यूज टिश्यू हमारे बॉडी में है, ये एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन और एडिनल्स। ये सारे के सारे, जो एडिनल मतलब हमारे किडनी का जो एडिनल ग्लैंड वाला पार्ट है, ये सारे के सारे हाईली परफ्यूज टिश्यू में आते हैं। यानी इन जगहों पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होगा, और ड्रग ज्यादा काम करेगी। वहीं बात कर लेते हैं जो मॉडरेटली परफ्यूज्ड है, हमारे मसल्स और हमारे स्किन। ये तो हमारे स्किन जो है, मसल्स जो है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल की सप्लाई थोड़ा सा लो है, स्किन में तो बहुत कम है, तो इट केस में हमारा जो ब्लड मॉडरेटली परफ्यूज। इसीलिए आपने कभी देखा होगा जो स्किन की दवाइयां होती है मैक्सिमम हम क्रीम के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लोशन के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट के फॉर्म में कम, क्योंकि उसमें परफ्यूजन रेट काफी कम है। वही पर सबसे पुअरली परफ्यूज्ड वो है फैट और बोन। मैंने आपको बताया था हड्डियां, उसके अंदर तो ब्लड जाएगा ही,
फैट्स के अंदर भी ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होती, तो बहुत ही लो परफ्यूजन होता है। अब इसी में एक वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन रेट कॉन्स्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ रहे हैं, जब ब्लड फ्लो करेगा टिश्यूज के साथ जो उसमें ड्रग पहुंचेगा टिश्यू के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेट कॉन्स्टेंट क्या है, KTB मतलब रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन टिश्यू अपॉन ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट। हमारे ब्लड में उस ड्रग का पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, भाई कोई हाइपोक्रिटिक होती कोई लाइपोफिलिक, और किससे टिश्यू से, पर्टिकुलर टिश्यू में जो ड्रग इंटर किया गया है और ड्रग का पार्टीशन कोएफिशिएंट, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो रेशियो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेट कॉन्स्टेंट। अगर वही आपसे कहेंगे परफ्यूजन रेट क्या है, तो मैं आपको डिफिनेशन दिया, तो इसको कहते हैं KT/B, इसी को, ठीक है, KT=perfusion rate upon KT/B, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेट कॉन्स्टेंट फॉर्मुला याद रखेगा। वहीं पे अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, भाई जो ड्रग है पर्टिकुलर टिश्यू में जा रहा है, किसी टिश्यू में ज्यादा ब्लड की मात्रा ड्रग की मात्रा रहेगी, किसी टिश्यू में कम ड्रग की मात्रा रहेगी, वो डिपेंड करता है उसके परफ्यूजन रेट पे। तो उसमें किसी पर्टिकुलर टिश्यू में कितना वॉल्यूम ड्रग का पहुंचा है, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इसको समझिए कि मान लीजिए कि कोई हमारा जो ड्रग है, ठीक है, हमारा जो ड्रग है 500 मिलीग्राम की हमने ड्रग खाई, हमारे बॉडी में उसकी बायो अवेलेबिलिटी 400 मिलीग्राम की हुई, तो बॉडी में ड्रग कितना है 400, और वॉल्यूम ऑफ ड्रग इन बॉडी, और पर्टिकुलर उस जो ड्रग में पर्टिकुलर टिश्यू में या ऑर्गेन में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो एक्स है, तो एक्स बटे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 500 मिलीग्राम की कोई दवा खाई, 400 मिलीग्राम हमारे ब्लड में पहुंच गई, तो ये एक्स, ये प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन क्या होगा 400 हो गया। और कोई मान लीजिए टिश्यू है लीवर, तो उस लीवर में 40 मिलीग्राम ड्रग पहुंचा है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ड्रग इन बॉडी इक्वल टू 40/400, तो हम निकालेंगे परसेंटेज हमारा, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना जाएगा 0.1, ठीक है, ये इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये सारे टर्म हमने जो आपको बता दिए इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं कि अपेरेंट वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड। भाई ये बॉडी फ्लूइड का मतलब हर टिश्यू के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में फ्लूइड इकट्ठा होती है, जो एग्जैक्टली हम कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन ये हाइपोथेटिकल मॉडल है कि हर ऑर्गन के अंदर अपना बॉडी फ्लूइड होता है जिसमें जो ड्रग होता है वो डिसॉल्व होता है। यानी जब भी किसी ऑर्गन के पास ड्रग पहुंचता है, किडनी के पास गया, लीवर के पास गया, लंग के पास गया, तो उनके पास अपना कुछ खुद का वॉल्यूम होता है जिसे अपेरेंट वॉल्यूम कहते हो, उसी में वो ड्रग जो है वो डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्रिएट विथ द ड्रग डू नॉट हैव इक्वल कंसेंट्रेशन, तो जरूरी नहीं है कि सभी बॉडी पार्ट में सभी जगह बराबर मात्रा में ड्रग पहुंचे। क्यों? क्योंकि किसी का वॉल्यूम ज्यादा है, किसी का वॉल्यूम कम है, इसी को हम लोग अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं KRS पे। हम लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन समझ लिया, हमने पहले बात की थी अब रिजोल्यूशन से, फिर हमने बात की एब्जॉर्प्शन, फिर हमने बात की प्रोटीन बाइंडिंग, और फिर हमने बात कर ली ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि हम लोगों ने बात कर ली परफ्यूजन रेट, अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अब आती है कि ये सब कुछ हो गया, दवा अपना काम कर ली, रिसेप्टर से बाइंड कर ली, अब दवा को शरीर छोड़ के बाहर जाना है, उस पर्टिकुलर लीवर किडनी ऑर्गन जिस भी कंपार्टमेंट में ड्रग गया, अपना एक्शन किया, अब रिसेप्टर से निकल के उसको बाहर भी निकलना है, दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरेंस पे हम बात करेंगे और क्लियरेंस से आने वाली टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से समझिए, मान लीजिए कोई एक कमरा है, उस कमरे में कोई शादी हो रही है, और एक छोटा सा मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का हॉल है, उसमें 100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, सगाई का प्रोग्राम शुरू हो गया, तो धीरे 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 एक घंटे दो घंटे में पूरा हॉल भर गया, 100 लोग आ गए, ठीक है। अब धीरे धीरे कुछ लोग सगाई खत्म होने के बाद तुरंत निकल जाते हैं, कुछ बीच में निकल जाते हैं, कुछ बहुत देर बाद निकलते हैं, तो अब धीरे धीरे कमरे से 2 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग बाहर निकल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो लोग धीरे धीरे उस टिश्यू को छोड़कर बाहर जा रहे हैं वो उसका क्लियरेंस है। उसी तरह से ड्रग जब बॉडी पे काम करता है और अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर एक्शन होने के बाद मेटाबोलाइज होके टिश्यू को छोड़कर, ऑर्गन को छोड़कर, बॉडी को छोड़कर बाहर निकलता है, उसे हम क्लियरेंस कहते हैं। तो क्लियरेंस का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कंटेनिंग ड्रग फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव्ड और क्लियर्ड कंप्लीटली स्पेसिफिक ड्रग। किसी भी ऑर्गन से एक निश्चित समय में जितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाता है उसी को हम उसका क्लियरेंस कहते हैं। ये माना जाता है कि अगर किसी किडनी किसी व्यक्ति में जो किडनी का जो रीनल की बात करें,
20 से 50 ml पर मिनट अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस हो रहा है तो मान लीजिए कि रीनल उसका फेलियर है, रीनल फेलियर के आसपास है किडनी अगर भाई, क्योंकि किडनी इतना ज्यादा क्रिएटिनिन रिलीज करने का मतलब, तो आपसे पूछ सकते हैं कि किडनी जो फेलियर है उसको चेक करने का मार्कर क्या है, उसको चेक करने का मार्कर है क्रिएटिनिन। अगर 20 से कम पर ml पर यूनिट, 20 से कम ml पर मिनट में अगर क्लियर हो रहा है क्रिएटिनिन तो मतलब किडनी हमारा नॉर्मल केस में है। 20 से 50 में अगर निकल रहा है तो मॉडरेटली क्या है वो थोड़ा सा डैमेज हो रहा है किडनी, और 50 से ज्यादा ml पर मिनट में अगर क्रिएटिनिन रिलीज होने लगे किडनी से इट मींस किडनी हमारा डैमेज हो चुका है। अब रीनल क्लियरेंस की बात करें तो जो मैंने आपको ओवरऑल क्लियरेंस की बात की वही अगर मैं क्लियरेंस एक पर्टिकुलर किडनी की बात करूं तो उसे हम रीनल क्लियरेंस कहेंगे, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा विच इज कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ द अनचेंज्ड ड्रग बाय किडनी पर यूनिट टाइम, यानी किडनी से पर यूनिट टाइम में जो ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में, जो मेटाबोलाइज नहीं हुई है, वो अनचेंज्ड फॉर्म में जो निकल रही है पर यूनिट टाइम, उसे ही हम उसका रीनल क्लियरेंस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रीनल क्लियरेंस का रेशियो और डिवाइडेड बाय एक्सक्रीशन रेशियो में डिफरेंस क्या है। रीनल क्लियरेंस इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ द, देखिए रीनल क्लियरेंस का मतलब क्या है इसको समझिए। देखिए आपको पता है कि रीनल जो है तीन काम करता है, आपने देखा होगा यूरिन का फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, एक होता है सिक्रीशन अलग होता है और रीअब्जॉर्प्शन अलग होता है, समझ गया। तो तीनों काम को डिफरेंस पहले समझ लीजिए। फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, ब्लड से जो आपके ड्रग्स हैं, मेटाबॉलिज्म ड्रग है, वो फिल्टर होकर कहां आ रहे हैं, बोवन कैप्सूल में। और सिक्रीशन क्या हो रहा है, उसमें भी जो ब्लड से, मतलब ब्लड से जो बड़े पार्टिकल हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेस पर नहीं आ पाए वो भी नेफ्रॉन में बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एक प्रोसेस होता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन, उसमें उल्टा होता है, किडनी से यानी नेफ्रॉन से जो पार्टिकल है वापस ब्लड में जाते हैं। यानी देखा जाए तो नेफ्रॉन से दो अवस्थाएं निकलने वाली हैं, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और सिक्रीशन, ये दोनों निकलने वाली चीज है जबकि रीअब्जॉर्प्शन वापस ब्लड से अंदर लेने वाली बात है। तो इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि रीनल क्लियरेंस को अगर हम डिफाइन करें तो रीनल क्लियरेंस का जो फॉर्मूला है वो है रेट प्लस ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी किसी भी किडनी से होने वाले फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सिक्रेशन को प्लस करके और माइनस रीअब्जॉर्प्शन करके किसी भी ड्रग का हम रीनल क्लियरेंस या रीनल एक्सक्रीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा। अब बात करें बाय बिलियरी क्लियरेंस, तो जैसे आपने रीनल से क्लियरेंस किया उसी तरह किडनी से किया तो उसका नाम रीनल क्लियरेंस, लीवर से करेंगे तो बाइल जूस के द्वारा होता है आपको पता है, तो उसको बाइल। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर, जीपैड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन और वीडियो से